بسم الله الرحمن الرحيم मैं हकीम रईस खान आपकी खिदमत में मिर्गी का इलाज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मिर्गी क्या है? मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी वक्त आकर बंदे को गिरा देती है और उससे मुंह से जाग निकलती है और गरीब बेहोश होकर बहुत से इलाज किया होता है, कहाँ नहीं पड़ा होता है, कभी चिकन में पड़ा होता है, कभी कहाँ पड़ा होता है, कभी कहाँ पड़ा होता है। तो इसका इलाज तो बड़ा महंगा होता है, इलाज कोई कर ही नहीं सकता, अगर कर ले तो कारगर नहीं होता। मैं आपको इसको, लेकिन चीज़ें मिलना बड़ी मुश्किल होती है। अभी चीज़ को ना मिलने की वजह से उसका इलाज नहीं होता है, ऐसा कोई मर्ज़ नहीं पैदा हुआ है जो कि क्या नाम है इलाज उसका ना हो। तो शायद किसको मिल जाए और मिर्गी के इलाज है तो आसान, लेकिन मिलती वो चीज़ें मिलती नहीं है। पैन पिन से ले लीजिएगा आबे तोरी तल जी आपको, और 3 पाव रोगने कद्दू, सॉरी आबे तोरी तल 3 पाव और रोगने कद्दू 1 पाव। अभी मैं इसको आपको आसान उर्दू में समझाना चाहता हूँ। तोरी का पानी जो तलख हो, तलख कहते हैं कौड़ी, तोरी कौन सी तोरी, और आप लोग पता नहीं तोरी को कौन से कहते हो, जो तलख हो जब आप ज़बान काटेंगे ज़बान लगाएंगे तो वो आपको तलख नज़र आएगी, उसका 3 पाव पानी मतलब इससे पानी निकाल लेंगे। और कद्दू का तेल 1 पाव लेकर आग पर रख कर उसको पानी को जलाएं, जलाने के बाद ताकि वो पानी दो बीच में हल जल जाए, सारा का सारा पानी बीच में जल जाए। और जिसकी पहचान ये है कि तेल से जाग उठनी बंद हो जाएगी तो उतार लें। अभी इसका तरीका इस्तेमाल बताते हैं, संभाल लें। खाने के लिए 5 से 15 बूंद इसमें डालकर वो खाएं और 15 बूंद नाक में डाला करें, टपकाएं, और पेट की और पिनियों की इस तेल से मालिश करें। मालिश करें भूख के वक्त चटांग भर घी दूध में डालकर पिलाएं। दूध जिस तरह कदर मरीज चाय पिलाया करें, लेकिन कड़केदार चीज़ को से परहेज करें। अगर बूर ज़्यादा महसूस हो, मरीज़ नमकीन मसाला को जाना को खाना खाना चाहता है तो कद्दू गोश्त का शोरबा दें, बोटी ना दें। ये मिर्गी का इलाज है और दौराने दौरा या उस पर दौरा आने से पहले उसको इंडिकेटर मिलता है, फटाफट नाक में रोगन तेल टपका दें ताकि इसके ऊपर दौरा ना आए। ऐसे बहुत लोग परेशान है इस मिर्गी से, अल्लाह ताला उसको शफा दे दे, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और लोगों को शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपके कहने से या शेयर करने से किसी का भला हो जाए और इसमें सवाब आपको मिले, मुझे भी मिले। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले
बटन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और लोगों को बताएं, ताकि ये नुस्खा लोगों को पहुंचे और जिस ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी उसको मिल जाए और अल्लाह ताला उसको शफा दे। शफा तो अल्लाह ही देता है, हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना। अगर नुस्खा पसंद आया तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।